पहले भी राजे की सरकार बनी सी एको एदा नारा होंदा सी खजाना खाली करके बाबा साहब की वित्तीय हर सहूलत ने खत्म करती सी। आज खेरा तुरिया फिरदा हैगा, तुसी वीडियो देखी होगी जिथे रौला पा रहा है हर चीज हर सिमरत बठिंडे लेके जाती है। एम्स बठिंडे च क्यों बने? असी धरना दवांगे ते एम्स बठिंडे विच नहीं बनन दवांगे। तो मैं उठे लड़ी जाती हाँ थोड़े तो सहूलत पहुंचन ते कांग्रेस सरकार हरेक सहूलत नु रोकन वास्ते अपना जोर ला रही है। संगरूर लोक सभा हल्के तो परमिंदर ढींडसा दी टिक दे ऐलान ने पिछले लंबे समय तो चलिया आ रहा रेड़का खत्म कर दिता है, पर दूजे पासे अकालियों का गढ़ मन्ने जांदे हलका बठिंडा तो अकाली दल हाले भी अपने पत्ते खोलन लई तैयार नहीं है। हालांकि बठिंडा तो पार्टी ने हाले तीकर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, पर इसके बावजूद भी मौजूदा संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने चोण प्रचार शुरू कर दिता है, जिस तों करीब करीब साफ हो चुका है कि बठिंडा की सीट एक बार फिर बीबा बादल दे पाले च डिगेगी। बीबा बादल इन्हीं दिनी हल्के दे दौरे ते ने, जिथे अपने चोण लई वोटां मंगण तों इलावा वो कांग्रेस ते आप सने तमाम विरोधियों ते तिखे वार कर रहे ने। मैं तां पहले भी तुहानूं कहिंदी सी कि आज जिन्ने भी धड़े हैगे जिन्नी पार्टियां है सारी कांग्रेस दी भी टीम हैगी। जे तुसीं याद करो तो मैं पहले 2012 विच मैं कहती सी आ पीपीपी दी पार्टी है कांग्रेस दी बी टीम है। सेखों साहब के खिलाफ जब लड़ रहा सी मनप्रीत मैं तां भी कहती सी पीपीपी कांग्रेस दी बी टीम है। मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग कढ़ के देख लो तुसी, मैं कदे झूठ नहीं मारदी, परमात्मा तों डर करदी आ, झूठ मेरे गलों बाहर निकलदा नहीं है। लेकिन पीपीपी टीम पता ही सी सानू अंदरूनी गल्लां पता होंदियां ने, ते साडे सामने साबित हो गया कि पीपी टीम भी जाके कांग्रेस विच जाके रल मई अज कांग्रेस दा वित्त मंत्री पीपी दा जिहड़ा मुखी सी उह बनिया बैठिया हैगा। इसी तरह मैं 2015-14 तो बाद आ भी कहती रही कि आम आदमी पार्टी जब इन्हों की चोणा हुई सी मैं तां भी कहती सी आ भी कांग्रेस की बी टीम है। आज सारा साबित हो गया कि केजरीवाल खुद किवें कांग्रेस के मगर मगर दिल्ली विच हरियाणे विच फिर रहे ते इन्हों का समझौता हो रहा है, ते पंजाब च भी इन्हों का समझौता तो पहले ही सानू पता सी। हुण तो आप ही भगवंत मान भी कह रहे कि जे मैनू पार्टी खत्म भी करनी पवेगी अकालियां नूं रोकण वास्ते मैं उह ही करन नूं तैयार हाँ, ते समझौता इन्हां दे इत्थे भी होना है। ते हर पक्खों भावें टकसाली होए भावें खहिरा होए भावें आम आदमी होए ये सारे कांग्रेस दे बी टीम ने, क्योंकि कांग्रेस नूं पता है कि सीधे तरीके दे नाल आ साडा मुकाबला कर नहीं सकते। सो मैं आज तुहानूं बेनती आ करदी हाँ कि आन वाली चोणां भी एक वड्डी चुनौती होगी। वड्डी चुनौती इस करके क्योंकि जिथे कांग्रेस हर पक्षों फेल हो चुकी है, थानू दसिया सेखों साहब ने वड्डे वड्डे झूठे लारे ला के अज हर वर्ग तपया होया है। जिन्नी वड्डी सट गरीबां नूं इस कांग्रेस सरकार ने मारी है, नीले कार्ड रद्द कर दिते, पेंशनां रद्द कर दित्तियां। मैं तां हैरान हाँ विधवा मातावां जिहड़े सब तो लोड़वंद होंदी है सारे पंजाब च सारी विधवा पेंशन खत्म कर दित्ती, बाकियां दे भी अद्धियां कट दित्तियां ने, शगन दे चेक दो दो साल तक ही नहीं आए। देना तो की सी घर घर नौकरी के झूठे लारे ला के नौकरी दिते आप दे मोती महल के पांच चहतियां नूं, ते किनू रोजगार मिले, किहड़े नौजवान नूं रोजगार मिले। कदे कहिंदे सी बेरोजगारी भत्ता देवांगे, कदे कहिंदे सी स्मार्टफोन देवांगे, देना तो की सी। मैं तो कहिंदी हां जिहड़ा नहीं कहिंदे सी कि बिजली दे इन्ने वड्डे वड्डे बिल दा बोझ तुहाडे उत्ते पावांगे, अज हजारां करोड़ रुपए बिजली दे बोझ दे राही 12,000 करोड़ तो 2 साल थोड़े जेब तो कट के इन्होंने आपके खजाने में भर दिते ने। पंज पहले भी राजे की सरकार बनी सी एको एदा नारा होंदा सी खजाना खाली करके बाबा साहब की दित्ती हुई हर सहूलत ने खत्म करती सी। 10 साल असी उस दी खजाने तो सारी सहूलत दे के दिखाइया, ते हुण सरकार बनी है ते एक बार फिर थानू तां खजाना खाली करके सब कुछ ही बंद करी जाने ने, लेकिन आप तो उस खजाने तो लुट लुट के जिन्नी जेबा भर रहियां ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ
6 महीनों के अंदर 2 लाख परिवारों को दिता, 10 साल हर साल वधा के 40 लाख परिवार तक लै गए। इन्होंने तो जो अद्धे कट दिते ने वह पैसा भी खजाने से बचना चाहिए है। जेडी पेंशन बादल साहब ने कहा कि पेंशन देवांगा शुरू से 2 साल 2 लाख लोगों बुजुर्गों तो अखीर से 15-16 लाख बुजुर्गों दी। अज तो बुजुर्गों की अद्धी तो वह पेंशन कटते वह पैसा भी खजाने से होना चाहिए। शगन के चेक का पैसा वह भी खजा। अज गरीबा के वजीफे देख लो, गरीबा के बच्चों के ना वजीफे ना यूनिफॉर्म ना उन्होंने कोई चीज देंगे ना, सारे पैसे केंद्र तो आते हैं कितने जाते हैं। सो बिल्कुल झूठ, थोड़े उत्ते बोझ ला के आपका खजाना बढ़ा रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल दे निशाने ते ना सिर्फ भगवंत मान ते कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे, सगो बीबा बादल ने बठिंडा तो चोण लड़न जा रहे सुखपाल खेरा नूं वी घेरा पा लिया। एम्स वर्गा वड्डा हस्पताल मैं केंद्र दी सरकार मोदी सरकार तो मंग के लई जद अपनी मेरी सरकार दिल्ली विच बनी है। इस करके नहीं सिर्फ कि साडे गरीबा दा वधिया मुफ्त इलाज हो जाए, लेकिन इस गल नूं समझदे होए कि घर घर इन्हां ने तां की नौकरी देनी है, रोजगार के साधन असीं पैदा करिए। क्योंकि अज तुहाडे सारे दे मन च सब तो वड्डा जिहड़ा बोझ है कि साडे पढ़े लिखे बच्चे कितने सैट हो जाते कुछ कमान लग जाने। तुहाडे मन च सब तो वड्डा बोझ होंदा है, हरेक मापिया का होंदा है। मैं माँ होने के नाते मैं भी इस गल नूं समझदी हाँ। तो इन्होंने तो कख देना नहीं, मैं अपने वालों कोई उपराला करा कि मेरी सरकार दिल्ली में है, मैं उतों कुछ लैके आवा। एम्स का वड्डा हस्पताल जिथे 2 साल च इन्हों रोकन वास्ते हर तरह के रोड़े मेरे रस्ते च अटकाए, लेकिन इन्होंने रुकावट के बावजूद उस हस्पताल कामकाज मैं शुरू किया। अज तुम देखो 4th मंजिल तक काम पहुँच गया, एक अद्धे महीने से पहला फेज शुरू भी हो जाऊगा, OPD शुरू भी हो जाऊगी। लेकिन जिस दिन तो असी नींह पत्थर रखा तो काम शुरू किया, कई सारे लोगों गरीबों कोई उत्थे लेबर का काम कर रहा है, कोई टिप्पर चला रहा है, कोई इट्टा ढो रहा है, कोई कुछ सप्लाई कर रहा है। रोजगार तो हूं तो ही शुरू हो गया, लेकिन जिस दिन एम्स शुरू होगा उत्थे जे नौकरियां लगन गया डॉक्टर की, नर्सा की, हेल्पर की, सेवादार की, चौकीदार की, माली की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, टेलीफोन ऑपरेटर की, टेक्नीशियन की, इंजीनियर की, कितने बच्चे लगन गए। यह हजारों की गिनती में थोड़े सारे के बच्चों रोजगार के साधन पैदा हो गए, जिदे करके मैं पूरा जोर ला रही कि एम्स का हस्पताल बन जाए। तो निकम्मी कांग्रेस सरकार इनू रोकन वास्ते हर तरह का जोर ला रही है कि एम्स बठिंडे च बन क्यों रहे, ये सिरा इनू दे नहीं देना। यह अज खेरा तुरिया फिरदा हैगा, तुसी वीडियो देखी होगी जिथे रौला पा रहा है, हर चीज हर सिमरत बठिंडे लैके जाती है। एम्स बठिंडे च क्यों बने, असी धरना देवे तो एम्स बठिंडे नहीं बनन देवे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों बठिंडे लैके जाती है, रिफाइनरी क्यों लैके जाती है। तो अज मैं हैरान है किड़े मुंह के नाल तुहाडे कोल आके वोटा मंग रहे, जे बठिंडे दे नाल इन्ना लगाव सी तो रौला क्यों पाता सी। सो ये सारे कट्ठे होके इन्हों का एको निशाना है, जेडे मेरे विरोधी आ रहे ने ये थानू कुछ देने वास्ते नहीं आ रहे, ये तो कल्ला एको निशाने के नाल आ रहे हैं कि इनू थले सिटीए बाकी बठिंडा बहार च जाए। लेकिन मैं बठिंडे में सेवा करना चाहती हाँ कि 10 साल जी मैं मेहनत की है, इस मेहनत को बरकरार रख के मैं गांह भी थोड़े वास्ते होर चीज़ा लैके आवा जिद थोड़ी तकलीफा हल हो। लेकिन लेकिन थोड़े सामने चुनौती वड्डी है, लड़ाई वड्डी है, इस करके क्योंकि जे आंकड़िया के वोटों के आंकड़िया गिनिया जाए फिर आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ते इन्हां दी दूजी चिथी चौथी तिरां नूं जे इकट्ठा कर लईए ते फिर जे साडी वोटां 50,000 ते ते इन्हां दे लख तों वध है। इस तों इलावा हरसिमरत कौर बादल वल्लों श्री करतारपुर साहिब दे लांघे दा सिरा इक वार फिर मोदी सरकार दे सिर बन्निया गया। साडी बंद हो गई, मैं लगातार पुछदी रहि हां, मैनूं हर बारी विश्वास दिलांदे ने कि बेटा ये असी कौम दे नाल थोड़ी कौम दे नाल असी वादा कीता है ते ये लांगा थोड़े 550 साल तो पहले असी जरूर थानू उस गुरतावा दे नाल जोड़ांगे। ते अज देखो जंगी पद्धर ते लांगे दा काम चल रहा है कि कल जे तुसी सरकार बदल दे और दूजियां सरकारां ने परवाह करनी है फिर जिथे लांगे दा काम है 70 साल दी अरदास ने फिर इत्थे खड़ जाना है जे अपनी सरकार ना बने। साडे सिखां दे 84 च कतलेआम साडे भैण भरावां दे होए, 34 साल तो साड़ी इंसाफ की मांग मैनू पता है क्यों मैं आप भुगतिया हैगा। 34 साल तो सड़कों पर लड़ते रहे जिन्होंने साडे सैकड़ों हजारा भाइयों के कतलेआम करते, अज उन्होंने दोषियों जेलों से धक्के उन्होंने बनती हो इन्हों की सजा मिले कि 34 साल से किसी सरकार ने परवाह की। अज मैं धन्यवाद करती हाँ मोदी सरकार की, साढ़े दबाव करके उन्होंने सिट बनाई जिदे करके सज्जन कुमार वर्गे वड्डे खूनी
उन्होंने चक के जेल पर धक्या गया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उन्होंने गरीब भैनों का, जिथे इन्हों गरीब भैनों ने पूरी कॉलोनी दिल्ली में वसी है जिहदा नाम है विधवा कॉलोनी। थानू पता है हजारों की गिनती कांग्रेस सरकार ने धक्ता इन्हों सज्जन कुमार के घर के लागे उ कॉलोनी बसाती जिहदा नाम ही विधवा कॉलोनी ने। तो सज्जन कुमार के नाल कंध लगती है ताकि संजय कुमार इन्हों डरा के रखे। जेड़ा कोई इंसाफ वास्ते उत्थे ही जोर से जबर के नालू बेचारी धमका के चुप करा दिता जाता सी, लेकिन वह बहादुर भैनों ने 34 साल बाद जब इंसाफ की किरण नजर आई बाहर निकल के एक बार फिर गवाहियां दित्तिया तो सज्जन कुमार जेल च धक्या। अज मैं थानू पूछती हाँ जे दिल्ली में सरकार बदलती है ये सज्जन कुमार ने तो एक बार फिर जेल तो बाहर निकल के साडे सिरों के उत्ते नचना हैगा तो कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार साड़ी कौम होगी जिहड़ी कौम वास्ते गुरु साहब ने सरवंश वार्ता उस कौम की चढ़ती कला वास्ते अज प्रेरिए दूजिया नू कि इस कौम के वड्डे मसले जिथे लांघे दे नाल गुरुधामां नाल जोड़े जा रहे जिथे इंसाफ मिल रहा है कि इस बारी असी अपनी वोट नू अपनी पार्टीबाजी नू धड़ेबंदी नू छड़ के असी उस सरकार का साथ नहीं दे सकते जिदे करके सज्जन कुमार दे नाल बाकी दूजे दोषी भी जेल में धक्के जान ते जिदे करके लांघे दे नाल अपनी गुरुधामां नाल जुड़ सकीए। ये भी साडे सारिआं दा फर्ज बनता है पिंड पिंड जाके आपदे भैन भरावां नू ये गल समझाइए। तो मैं तुहानू विश्वास दिला सकती हाँ कि अपने वालों मैं पुरजोर कोशिश करांगी कि भावें कौम के मसले होन भावें इलाके के मसले होन भावें थोड़े मसले होन वो अपनी सरकार तो असी वध तो वध हल करा के थानू वो सहूलत पहुँचाइए। अज गरीबों मोदी सरकार मकान दे रही है ये कांग्रेस सरकार वो मकान थोड़े ताई नहीं पहुँचन दे रही। अज मोदी सरकार ने जिवें बादल साहब ने 30,000 का भगत पूरन सिंह कार्ड दिता सी कि गरीब इलाज करा लैन सरकार पैसे दोगी, इन्होंने बादल साहब का दिता हुआ कार्ड तो बंद करता, लेकिन मोदी सरकार ने 5-5 लाख का गोल्डन कार्ड चलाता कि गरीबों के परिवार लाख ताई हर साल वो अपना इलाज करा सकन। केंद्र की सरकार पैसे भेजूगी, इन्होंने पंजाब के एक भी गरीब नू नहीं दिता। तो मैं उत्थे लड़ी जाती हाँ थोड़े ताई सहूलत पहुँचन, तो यह कांग्रेस सरकार हरेक सहूलत नू रोकन वास्ते अपना जोर ला रही है। हालांकि हरसिमरत कौर बादल के नाते पार्टी ने अधिकारिक मोहर नहीं लगाई, पर इसके बावजूद भी बीबा बादल के शब्दों तो साफ हो गया कि बठिंडा सीट तो इस बारे टिकट उन्होंने ही मिलेगी। अजे चुन सब नज़र कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से टिक गई ने कि कदों ये दोवें पार्टियां अपने पिटारे चो उम्मीदवार कढ़दियां ने। बठिंडा तो परविंदरजीत सिंह पंजाबी लोक चैनल।